अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 की आज हम लोगों ने इस्लामियात पढ़नी है, तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ओके, ये आपकी कोर्स आउट, ये आपकी स्टार्ट है, आपका सेशन 2020-2022 इस्लामियात ग्रेड 8, और ये आपका सिलेबस आउटलाइन है। अब सिलेबस आउटलाइन में क्या है कि ये 6 सेक्शंस हैं, उसके अंदर जो है ना 3 जो है हम वो फर्स्ट टर्म में करेंगे, और रेस्ट जो रिमेनिंग है वो हम जो है ना सेकंड टर्म में करेंगे। बाबे अव्वल और बाबे दोम और बाबे सोम जो हैं वो हमारे फर्स्ट टर्म में आएंगे, एंड द रिमेनिंग विल बी इंक्लूडेड इन सेकंड टर्म। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को भी अपने, या आप लोगों को जो है स्लाइड से मैंने पिक्स रखी हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ से शायद थोड़ा सा क्लियर ना हो, आप लोगों को अपने बुक टैली करने काम के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ रही हूँ। नाज़रा कुरान के उस हिस्से में 10 बारे शामिल हैं जो 50 सूरतों की आयत आयत पर मुनबी है। सिर्फ आखिरी दो पारे ही हैं, ही में 39 सूरतें हैं। ताहम इन पारों में सूरतों की तवालत बतरीक मुख्तसर होती जाती है, खसूसन तीसरे पारे की सूरतें बेहद मुख्तसर हैं, इसीलिए पारों की तकमील ज़्यादा दुशवार नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, सूरतुल अलहादियात, मैंने सिर्फ जो है ना आप लोगों को सूरतों का नाम बताना है, और मैंने आपको इसके तर्जमा बताकर एक्सप्लेन करना है कि इनका मतलब क्या है। आप लोगों ने आयतें जो है ना छोटी छोटी वाली वो याद करनी है, वो एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं, तो आपको इनका स्टार्ट या एंड जो है ना वो थोड़ा सा आना चाहिए ताकि आप आयतों को रिकग्नाइज़ कर सकें। तो मैं तर्जमा पढ़ रही हूँ। इन पर सर पट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, जो हाम उठते हैं, फिर पत्थरों पर नहल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापे मारते हैं, फिर उसमें गिर्द उठाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का एहसान नाशनास और नाशुकरा है। इसमें उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और अल्लाह की नेमतों को नज़दीक नहीं रखते अपने, और वो इससे आगाह भी है और अल्लाह इससे वाकिफ़ है, क्योंकि वो हर इंसान के हाल से, उनके इरादों से, उनकी नीयत से वाकिफ़ और आगाह होता है। वो तो माल से सख्त मोहब्बत करने वाले हैं, और ये वो लोग होते हैं जो माल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या वो इस वक्त को नहीं जानते कि जो मुर्दे कब्रों में हैं वो बाहर निकाले जाएंगे, और क्या ये इतना भी नहीं जानते कि ये जो मुर्दे कब्रिस्तानों में हैं ये एक दिन निकाले जाएंगे, और जो भी दिलों में हैं और जो गंदगी और या जो अंदर वो बुक्स रखते हैं वो ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार इस रोज़ इनसे खूब वाकिफ़ होगा, और उस रोज़ उनका अल्लाह उनकी इरादों, उनकी नीयतों से खूब वाकिफ़ होगा। नाउ नेक्स्ट, कमिंग ऑन नेक्स्ट आयत, सूरतुल अल तकासिर, इनका तर्जमा है, लोगों तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया है। अब यहाँ पर इनके माल का जिक्र किया जा रहा है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो गाफिल भी हो गए हैं, सीधे रास्ते पर नहीं रही, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जस्ट ऐसे, मैंने इनको थोड़ा सा स्लाइड को रख लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कौन सी स्लाइड पर है। यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी, देखो तुम हमें अनकरीब मालूम हो जाएगा। यहाँ पर माल का जिक्र किया जा रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम लोगों ने कब्रें तो वैसे भी देखी हैं, देखो अनकरीब तुमको भी मालूम हो जाएगा, जो चीज़ आगे आनी होगी, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर तुम्हें आगे उस चीज़ का पता चल जाएगा। देखो अगर तुम जानते हो ये हो, यानी इल्मुल यकीन रखते हो, तो गाफिल ना करते। अगर तुम्हें इल्म होता तो तुम ज़रूर गाफिल ना होते, तुम ज़रूर दोजक को देखोगे, क्योंकि तुम्हें माल से मोहब्बत है तो इसलिए तुम दोजक को ज़रूर देखोगे, फिर उसको ऐसा देखोगे कि ऐनुल यकीन आ जाएगा, और जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें इस चीज़ का पक्का यकीन हो जाएगा, फिर उस रोज़ तुमसे शुक्र नेमत के बारे में परसिश होगी, और फिर उस दिन तुमसे इम्तिहान होगा शुक्र और नेमत के बारे में। उसके बाद हमारे पास दूसरी आयत है सूरतुल अल हमज़ा,
जिसका तर्जुमा है हर तरह अमीज़ इशारे करने वाले चुगलखोर के लिए खराबी है जो माल को जमा करता है और इसको गिन गिन कर रखता है। यहाँ पर उस चुगलखोर इंसानों के बारे में जिक्र किया जाता है जो पीछे से बातें करते हैं और उनके लिए एक बुरी खबर है कि जो अगर वो माल जमा करके रखते हैं और उसको गिन गिन कर रखते हैं तो वो उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की ज़िंदगी का मौजूद होगा और उसको लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी रख रहा है, जो पैसे रख रहा है, वो उसके लिए हमेशा उसके साथ देंगे और वो उसके हमेशा उसी ही के पास रहेंगे। हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर हतमा में डाला जाएगा और हतमे में डाला जाएगा। और तुम्हें क्या समझ हतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों पर जा लपटेगी और वो इसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सतूनों में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो माल तुम लोगों ने जमा किया है वो एक हतमी चीज़ में डाला जाएगा। अब हतमी चीज़ क्या है? वो एक भड़कती हुई कपकपाती हुई आग है जो चिंगारियों के साथ होगी और वो वहाँ पर उस इंसान को बंद किया जाएगा और वो उसके बड़े बड़े सुतूनों होंगे। तो वो इस जो माल आप जमा कर रहे हो, वो जो माल जमा कर रहे हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, उनके लिए ये एक बुरी खबर है कि उनका माल फिर उस चीज़ के अंदर डाला जाएगा जिसको हम हतमी बोले जा रहे हैं, अल्फाज यूज़ किया जा रहा है। अब सूरत अल नशरा, जिसका तर्जुमा है ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया? बेशक खोल दिया है और तुम पर से बोझ भी उतार दिया है। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है जिस पर उनको कहा जा रहा है कि क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? बेशक खोल दिया है और आपका बोझ भी कम कर दिया है जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ रखी थी और जिस तकलीफ़ों ने आपको इतना प्रेशराइज और बर्डन कर दिया था और तुम्हारा जिक्र भी बुलंद कर दिया था और उनका जिक्र भी अल्लाह ने बुलंद कर दिया लोगों के दरमियान। हाँ हाँ मुश्किल के साथ आसानी भी है, मुश्किल के साथ आपको आसानी भी मिलेगी और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर ज़िंदगी के मराहिल में आपके पास मुश्किल आसानियाँ दोनों आएंगी और उसके लिए आपको सब्र करना चाहिए और जब आप इन चीज़ों से फारिग हो जाएंगे तो अपनी इबादत में इत्मीनान से उस इबादत को मशगूल होकर अदा किया करें और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जा हुआ करें और अपने परवरदिगार की तरफ रागिब हुआ करें। अब आयतुल कुर्सी है जिसका तर्जुमा है अल्लाह वो महबूब बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो इबादत के लायक है, जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। उसे ना ऊँग आती है ना ही नींद आती है, उसे ना ऊँग आती है ना ही उसे कोई नींद आती है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी ही का है। जो कुछ आप आसमान ज़मीन में देख रहे हो उसका सारा होल्ड और कंट्रोल अल्लाह के पास है। कौन है कि उसकी इजाज़त के बगैर इससे किसी की सिफारिश कर सके? कोई नहीं है जो उसकी नामर्ज़ी के मुताबिक किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ इनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है। जो कुछ इंसान के पीछे हो रहा है या जो उनके आगे हो रहा है या जो उनके आगे आने वाले में होने वाला है वो उस चीज़ से वाकिफ़ है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर भी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। उस चीज़ का इंसान के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, वो सब उसी के हाथ का है। हाँ जिस कदर वो चाहता है उस कदर मालूम करा देता है और जो चीज़ वो चाहता है कि इंसान को मालूम हो उसकी वो उसको गाइडेंस दे देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन में ज़मीन सब पर हावी है। जो इल्म आसमान में है और ज़मीन में है उस चीज़ का कंट्रोल, उस चीज़ का इल्म उसी रब के पास है और उसने इनकी हिफाजत में कुछ दुश्वार नहीं है। और उस चीज़ की दुश्वारी के उनको कैसे चलाना है, उसकी मैनेजमेंट वो सारी की सारी उसके हाथ में है और उसको उस चीज़ में कोई दुश्वारी नहीं है। वो बड़ा आला रुतबा और जलील अल कदर है, उसकी ज़ात बहुत ही आला रुतबे वाली है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जिसमें सूरत अल इमरान का जिक्र किया जा रहा है जिसका तर्जुमा है ऐ हमारे परवरदिगार हमारे गुनाह और ज़ातियाँ जो हमने अपने कामों में करते रहे हैं
इसमें इंसानों इंसान जो है अपने परवरदिगार से मुतवज्जा होकर कह रहा है कि जो हमसे गुनाह और ज़्यादतियाँ हमारे काम के दरमियान हमसे कभी कोताहियाँ हो चुकी हों उसके लिए हमें माफ़ फरमा और हम को साबित कदम रख, हमें सीधे रास्ते पर रख और काफ़रों पर फतह इनायत फरमा और काफ़रों के मुकाबले में हमें सक्सेस दे। उसके बाद सूरत अल नमल है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं। यहाँ पर उन एहसान और उन नेमतों का जिक्र किया जा रहा है जो माँ बाप की सूरत में हमें मिले हैं। उनका शुक्र करूँ, उनका शुक्र करना कि हमें हिदायत दे और ऐसे नेक कामों में काम करूँ कि तू उनसे खुश हो जा। और मैं ऐसे नेक काम करना चाहता हूँ जिससे तू खुश रहे और तू राज़ी रहे। और अब मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में दाखिल फरमा और मुझे वो तौफीक दे, मुझे हिदायत दे कि मैं तेरे नेक इंसानों के अंदर मेरा भी शुमार हो। अब सूरह अल कहफ है। है हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से नेमत नाजिल फरमा। इसमें इंसान अपने परवरदिगार से नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि हमें अपनी रहमत फरमा, नेमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर और हमारे कामों को आसान फरमा। उसके बाद सूरत अल फरकान है। है हमारे परवरदिगार, दोजक के अजाब को हमसे दूर रखना, क्योंकि एक टाइम आएगा दोजक का जो कि आना है, जो कि बरहक है। तो उस टाइम के लिए, उस अजाब के लिए वो चाहते हैं कि वो अजाब हमसे हम पर अजाब नाजिल ना करना, उस दिन हम पर रहम करना। और उस अजाब बड़े तकलीफ़ वाली चीज़ है और वो जो अजाब दोजक का है वो बहुत ही ख़तरनाक अजाब है। तो उस अजाब से वो उनसे मगफरत और उनसे बचाव चाहते हैं कि हम उस चीज़ से बच जाएं। और सूरत यूनिस, ऐ मैं हमारे परवरदिगार, हमें जालिम कौम के हाथों आजमाइश में ना डाल। जो कौम जालिम है, लोगों पर जुल्म करती है किसी वजह पर, उन पर जुल्म व सितम ढाते हैं, उनसे वो आजमाइश से कह रहे हैं कि हमें उस आजमाइश से बचा और अपनी रहमत में कौम कुफार से निजात अता कर। और वो कौम जो कौम कुफार की है उनसे हमें निजात और उनसे हमें बचा। तो ये सारी की सारी आपकी आयतें हो गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आयतों को समझना है, उनको याद करना है। साथ में आप लोगों का होमवर्क है कि किसी भी एक आयत को लेकर आपको उस आयत को लिखना है, उसका तर्जमा अच्छे से करना है और फिर आपको इस आयत को एक्सप्लेन भी करना है कि इस आयत के अंदर आपको क्या समझ में आया। सही बेटा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को किसी भी चीज़ में, फेयर कॉपी रफ कॉपी का, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी गाइडलाइंस दे दूँगी। ओके।